बाय अपना इरेंग। बैक ऑप्शन से देखो, यानी कि आप एक बार मरते भी हो तो फिर से आप जिंदा हो सकते हो जब तक ये रिस्पॉन कार्ड का वैलिड रहता है। एंड उसी के साथ साथ चलो यहां पर कुछ लूट्स करते हैं, क्या कुछ चेंजेस है अपना न्यू इरेंगल 3.0 में। भाई अब तक शायद से इरेंगल में ऐसा कुछ अपडेट अब से पहले नहीं आया जो कि नीचे झूलता हुआ काफ़ी सारा रोप मिलेगा, रस्सी। जैसे यूज को ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप लोग एक से दूसरे बिल्डिंग्स पे चले जाओगे एंड यहाँ पर काफ़ी सारे आप लोग को बिल्डिंग्स मिलेंगे जो कि यहाँ पर सभी जगह पे आप लोग को यहाँ पर रोप बना हुआ है, ठीक है। तो रोपवे की मदद से आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनली देख सकते गाइज, मैं तो यहाँ पर टार्जन बन चुका हूँ एक से दूसरे जगह पर। एंड यहाँ पर मुझे गाइज यहाँ पर एक न्यू वेपन दिखता है जो कि यहाँ पर ये दो गन देख रहे हैं, ये गन नहीं है गाइज, ये गन ही है, लेकिन ये गन नहीं है, ये जो आप लोग देख सकते हैं एक तलवार मिला मुझे, यानी कि एक वेपन जो कि इसका नाम है निंजा ब्लेड। अब गाइस इसका पावर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ना, सच में शौक हो जाओगे आप इससे। मतलब कोई बंदा अगर आपको फायर कर रहा है तो निंजा ब्लेड से आप उस फायर को भी रोक सकते हैं, एक ही साथ पूरे के पूरे स्क्वाड को एक निंजा ब्लेड से खत्म कर सकते हैं। बंदा कितना भी दूर पे हो, जैसे कि अगर बंदा आपके आसपास थोड़े दूर पे भी अगर रहता है तो आप निंजा ब्लेड की मदद से उसको मतलब एक चुटकी में मार सकते हो। चलो देखेंगे सारे कुछ, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो। अब तक अगर आप लोग बने हो इस वीडियो पे तो लाइक जरूर से करके रखना। तो यहाँ पर थ्रोवेल्स के सामने में आप लोग देखो एक हुक नजर आ रहा होगा जो कि आज से पहले हम लोगों ने ग्रैपलिंग हुक को यूज किया होगा स्पाइडरमैन मोड पे, तो इसका भी नाम हुक ही है। और इस हुक से गाइस आप लोग एक से दूसरे जगह पे तुरंत से जा सकते हैं एंड सडनली थोड़ी देर के लिए आप लोग छोटी प्लेन आप लोग के हाथ पे आ जाएगा और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आप लोग उड़ सकते हो, तो एक से दूसरे बिल्डिंग पे जा सकते हो एंड बड़े बड़े जितने भी ऊंचे ऊंचे चट्टान से या फिर माउंटेन्स होते हैं या फिर गाइस यहाँ पर प्रिजन में जो ऊपर वाले पहाड़ से आप गिर भी जाओगे तो यहाँ पर इसकी मदद से गाइस आप लोग को बिल्कुल से जीरो डैमेज
मैच होने वाला भाई, क्या ही एक नेक्स्ट लेवल हम लोग को मिला है ये हुक। एंड गाइज उसी के साथ साथ अपन के पास ये जो वेपन न्यू निंजा ब्लेड मिलता है, इस निंजा ब्लेड का पावर मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले थ्रोवेल्स का सामने में सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि अभी ग्रैपलिंग हुक्स हम लोग का सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसी लोकेशन पर जाते हैं अपन लोग, यहाँ पर ले लेते हैं अपना निंजा ब्लेड को। अब देखो चुटकी में इस बंदे को मतलब मैं डैमेज दे दूंगा, जो कि इस बंदे को मैं कैसे डैमेज दूंगा अभी आप लोग देखो। इस वेपन को आप चलाते हो, इसका लाइट एक जाता है बहुत ही रफ्तार से, वो लाइट भी अगर उसके पास लग जाता है तो ये बंदा नॉक हो जाता है। और देखो कितने दूर से मैं अभी इसको मारूंगा और ये फिनिश भी हो जाएगा। तो काफ़ी पावरफुल एक न्यू वेपन आ चुका था, इसके लिए एक लाइक तो जरूर से दबा देना निंजा ब्लेड के लिए। अब देखो जैसे आप लोग मैन थीम मोड पे आते हो, या फिर मैन थीम मोड को खेलते हो, या फिर इस चीज़ को लूट लेते हो, तो ऐसे ऐसे लोकेशन पे आप लोग को ये बॉल्स देखने को मिलेगा, जो कि ये बॉल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बॉल है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको पिकअप करेंगे, इस टाइप का कुछ दिखने वाला है जो कि देख लेना आप लोग। गाइज इस पावरफुल बॉल का नाम है प्रॉक्सी स्काउट डिवाइस, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर ये प्रॉक्सी स्काउट डिवाइस अगर आपके पास रहता है तो एक बार में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको थ्रोवेल्स के सामने सेलेक्ट करके अगर फेंक देते हो तो यहाँ पर आपका एक क्लोन बन जाता है, यानी कि आपका एक फेक डमी बोल सकते हो। और ये जो आप लोग देख सकते हैं हाथ में आईपैड टैब जो भी बोल सकते हो, तो ये आपको कंट्रोल कर रहा है, यानी कि आप कंट्रोल कर रहे हो। और ये जो गन लेके दौड़ रहा है ना, ये फेक है, और वो जो रियल है वो आप उसको उससे कंट्रोल कर रहे हो, आगे बताऊंगा। जो कि यहाँ पर देखो आप चाहो तो यहाँ पर फिर उससे एग्जिट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप उसको कंट्रोल करके यहाँ पर एक जगह से दूसरे जगह आप भेजो उसको, और पता लगाओ कहाँ बंदा है, कैसा लोकेशन है। एंड सडनली मतलब आगे देखो यार, मतलब क्या ही मैं ये चीज़ में आप लोगों को बताऊँगा। तो उससे पहले अगर वीडियो पर अभी भी बने हो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस करो, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले गाइस एक झलक देखो और बता सकते हो।